वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। मैं पिछले वीडियो में दिखाया था कि एप्सन एल 805 का फुल अनबॉक्सिंग, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप उसके ड्राइवर को आपके पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो और उसके ज़रिए आप फोटो को प्रिंट दे सकते हो या फिर किसी सीडी पे भी प्रिंट दे सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि उस ड्राइवर को कैसे आपके पीसी में इंस्टॉल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए। तो चलिए अभी ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। तो पहले आपको USB केबल जो आपके प्रिंटर के साथ मिला है उसे PC के साथ कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क आपको मिला है इसे आपको CD ड्राइवर में मतलब देकर इसे प्ले करना होगा। तो प्ले करने पर यहाँ पे एक फोल्डर ओपन होगा और उस फोल्डर के अंदर आपको ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो उस ड्राइवर को यह से जस्ट इंस्टॉल कर लेना है, और इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको आपके PC को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर है वो पूरा फुलफिली डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे नेक्स्ट 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 करके जाना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग होने के बाद कुछ ड्राइवर फिर से डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग हो रहा है, इसे थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके जैसे कि PC है उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये टाइम लेता है। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे आपके जो चाह रहा है कि कैसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं USB केबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये प्रिंटर वाईफाई सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है और इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके नेट की ज़रूरत होगा, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अपडेट आया है, तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपके नेट कनेक्शन की ज़रूरत होगा। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और भी सॉफ्टवेयर है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेना है। आप इस वीडियो को स्लोली फॉलो कीजिए तो आप पूरा फुल इंस्टॉलेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोडिंग हो रहा है एप्सन प्रिंटर सेटअप। तो यहाँ पे मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगा नहीं तो। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंटर के वाईफाई की सेटअप भी हो रहा है ऐसे, तो मतलब वाईफाई से प्रिंटर को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 मिनट तक टाइम ले सकता है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद ये देख सकते हो कनेक्टेड हो गया। अभी इसका अपडेट मतलब कुछ अपडेट आया है या फिर नहीं वो चेक हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे वो सेटअप कंप्लीट हो गया, डाउनलोड हो गया, और जो जो इंस्टॉल होना था वो ऑटोमेटिक फुल्ली इंस्टॉल हो गया। अभी क्या करना है, मैं इसका नज़ल को चेक कर लेता हूँ कि ये सब ठीक ठाक है, या फिर मतलब जो इंक डाला था तो वो सब कुछ ठीक सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पे आना होगा, यहाँ से यहाँ पे हर एक स्टेप को मतलब आपको मेंटेन कर करके जाना है। तो मैं यहाँ से एक टेस्टिंग पेपर को प्रिंट दे चुका हूँ, ये है टेस्ट पेपर। तो यहाँ पे देख सकते हो सही से सब कुछ प्रिंट हो गया है, और यहाँ से देख सकते हो सही से सब कुछ प्रिंट हो चुका है। और एक बार मैं जो नज़ल है उसका एक प्रिंट दे देता हूँ कि सही से सभी कलर को ये प्रिंट कर पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि सब जो कलर है वो सही से काम कर रहा है। तो अभी मैं इस पिक्चर को प्रिंट देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉर्डरलेस प्रिंटिंग जो होता है इस प्रिंटर से वो कैसे होता है, उसका क्वालिटी कैसा है। मैं इस अभी इसे प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ। तो मैं फोटोशॉप CC मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसे प्रिंट दूंगा। तो चलिए, तो अभी जो प्रिंटर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एप्सन L805, और यहाँ पे प्रिंटिंग सेटिंग से मैं जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ से पेपर का साइज देता हूँ 6x4 इंचेस का। यहाँ पे बॉर्डर लेस पे आपको क्लिक करना है, नहीं तो ये बॉर्डर लेस प्रिंटिंग नहीं देगा, यहाँ पे बॉर्डर रह जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे फोटो पेपर ग्लॉसी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, हाई पे सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से एक साइज को मैं मतलब सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मतलब नेक्स्ट जब मैं इस फोटो पेपर पे प्रिंट दूंगा 4x6 पे बॉर्डर लेस पे, तो ये सेटिंग्स काम कर जाएगा। यहाँ से मैं ये सेटिंग्स को ले चुका हूँ और इसके बाद सब कुछ सही है और ओके। तो इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करने पर वो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ से मैं कुछ सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ, सही से सब कुछ सही सही से है। तो यहाँ से मैं प्रिंट दे चुका हूँ और अभी चलते हैं प्रिंटर की तरफ। तो यहाँ पे प्रिंटिंग शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए तो प्रिंटिंग का काम अभी चल रहा है। यहाँ पे देखिए जो प्रिंटिंग हो रहा है वो पूरा बॉर्डर लेस है, मतलब कोई भी बॉर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है प्रिंटिंग, पूरा जो एजेस है पूरा एजेस को कंप्लीट करके ये प्रिंट हो रहा है। तो ये इस प्रिंटर की एक मतलब बहुत अच्छी एक मतलब एक फीचर्स है कि आपको एक बॉर्डरलेस प्रिंटिंग दे। और इसके साथ साथ आप इस प्रिंटर से आप देख सकते हो यहाँ पे CD का साइन है या फिर किसी PVC के ऊपर भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पिक्चर आ रहा है ना, इसका क्वालिटी कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप YouTube में इसे व्यू कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप हाई क्वालिटी में आप वीडियो चला रहे हो तो इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब एक ग्लेज आ रहा है, यहाँ से एक बहुत अच्छे एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना सा ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियो पाने के लिए।